भी हम लोग किससे करते थे, इस वाटर बॉटल की हेल्प से। ये देखिए इस तरीके से हम इस पर तराई करते थे, जैसे आप ये देख सकते हैं इस तरीके से इसके ऊपर तराई करी जाती थी। और आज की डेट में ये वॉल हमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी सीलन या किसी भी तरीके का पानी मॉइस्चर नहीं बनता है। अब सब आज मैं लेकर के आया हूँ आपके पास बहुत ही जबरदस्त वीडियो, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी वॉल पर सीलन आती है तो कैसे आप उस सीलन को ठीक कर सकते हैं, और अगर सीलन वाली वॉल पर आपने वॉलपेपर लगा लिया है या आप लगाना चाहते हैं वॉलपेपर बट दीवार पर दिखती है आपको सीलन, तो क्या ट्रीटमेंट करके आप अपनी वॉल को बचा सकते हैं और वहां पर वॉलपेपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कुछ वॉल्स जहां पर हमारी वॉल्स पर भी सीलन आती थी और हमने वहां पर ट्रीटमेंट करके उस सीलन को बिल्कुल कर दिया है दूर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको इंटीरियर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आज हम आपको दिखाएंगे वो वाली वॉल्स जिन वॉल्स पर सीलन आती है, तो भाई हर किसी के माइंड में क्वेश्चन ये रहता है कि सारे ट्रीटमेंट्स करा लिए, सब कुछ करा लिया बट वॉल से सीलन खत्म नहीं हुई, पर पीवीसी पैनल लगाने के बाद भी सीलन खत्म नहीं हुई है, सीलन आज भी हमारी वॉल्स पर है। और पीवीसी पैनल के पीछे क्या डैमेज हो रहा है, वॉल कितनी खराब हो रही है, वो हमें मालूम नहीं चल रहा। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपनी वॉल पर जो सीलन आ रही है उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आपको वो वॉल दिखाता हूं सबसे पहले। तो गाइज आप देख सकते हैं ये वाली वो वॉल है, ये एक्चुअली हमारे ड्राइंग रूम की वॉल है जहां पर बहुत ज्यादा सीलन आती थी। हमने यहां पर वॉल पुट्टी कराया, इस तरफ कुछ लीकेज थी टॉप फ्लोर से, उस लीकेज को रिपेयर कराया। कराने के बाद हमने एटलीस्ट इसको 1 month एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया। तब ये वॉल पर सीलन आती थी उस टाइम पर हमने यहाँ पे बिरला पुट्टी के, देखो ये कोट करवा रखे हैं, पीओपी के कोट कराए हैं ताकि इस वॉल से सीलन खत्म हो पाए। बट क्या हुआ, ट्रीटमेंट कराने के बाद जब हमने यहां पर इस वॉल की रिपेयरिंग कराई है, जिस पार्ट को आप देख रहे हैं, इस पार्ट को जब हमने रिपेयर कराया तो ये वाला फ्रंट हिस्सा तो पूरा ठीक हो गया, यहां पर तो सीलन आनी बंद हो गया। ऐसे आपके साथ भी होता होगा, पूरी वॉल पे जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो कुछ हिस्से जो है वहां पर सीलन आनी बंद हो जाती है, बट ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये नीचे का पार्ट, यहां से सीलन खत्म नहीं हुई। और जब यहां से सीलन खत्म नहीं हुई, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, वॉलपेपर या कोई भी दूसरा ऑप्शन इस वॉल पर अगर हम यूज करते तो हमारा वो मटेरियल खराब हो जाता और हम लोग इस वॉल पर पीवीसी पैनल या कोई भी वुडन का काम नहीं कराना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले क्या किया, इस वॉल की जितनी डेप्थ थी जहां पर ईंट लगी हुई है वहां तक इस वॉल को बिल्कुल खाली करवाया, मतलब ये लगा करके चलिए अंदर तक वॉल को बिल्कुल खुरचवा दिया था यहां तक, ताकि जितना भी इसके अंदर सीमेंट है, जितनी भी ईंट लगी हुई है, जितना भी जो मटेरियल था ईंट तक का सारा बाहर निकलवाया। यहां से लेकर के इस वॉल को हमने पूरा, जहां तक हमारी वॉल पर सीलन आती थी, सारा अंदर तक खाली करवा दिया। और खाली करवाने के बाद एज इट इज उसको 1 week तक हमने छोड़ दिया, हमने उसमें कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपकी भी वॉल्स पर सीलन आती है और वो सीलन नीचे नीचे रहती है, ऊपर नहीं चढ़ती है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, पूरी वॉल को नीचे से खाली करवा सकते हैं। जितना भी पुराना सीमेंट है, जितना भी इसमें माल भरा हुआ है पीओपी, उसको छेनी हथौड़ी की हेल्प से बिल्कुल खाली करवा लीजिए। ये देखिए जैसे हमने किया है, इसको खाली करवाने के बाद हमने इसके अंदर दोबारा से मसाला भरा, दोबारा से प्लस्तर किया है, और ये आप देख सकते हो बहुत दिनों तक हमने तराई करी है इसके ऊपर, और तराई तो रेगुलर इस पे तराई करी गई, 1 month पूरा इसको कंप्लीट हो चुका है। आज की डेट में आप देख सकते हैं पानी एज इट इज वॉल ने खींच लिया है अपनी तरफ, इस वॉल के ऊपर आज की डेट में कोई भी सीलन नहीं आती है। और अब हम इसके ऊपर एक पुट्टी का कोट कराएंगे, तेल वाला प्राइमर लगवाएंगे और फिर इसके ऊपर वॉलपेपर लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी फॉल सीलिंग, सारी सीलिंग पे भी हमने वॉलपेपर ही यूज किया है, इवन इस वाली वॉल पर भी वॉलपेपर लगा हुआ है और यहां पर भी पूरा व्हाइट कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है। तो ये देखने में आपको बिल्कुल पता नहीं लग रहा होगा कि यहां पर पेंट किया गया है या वॉलपेपर लगाया गया। तो इस तरीके से हमने इस वाली वॉल से तो सीलन बिल्कुल खत्म कर दी है, क्योंकि इस वाली वॉल पर बहुत ज्यादा सीलन आ रही थी और आप देखेंगे तो पपड़ियां निकलती थी, छोटे छोटे इसके अंदर मॉइस्चर बनते थे और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे इसको लेकर के कि यार अब करा तो करा क्या जाए। मैंने फिर ये चीज सोची कि यार इसको अंदर तक खाली करवाया जाए, फिर इसके अंदर दोबारा से सीमेंट लगा करके इसको बिल्कुल क्लीन किया जाए, ऊपर वाले जो ऊपर का जो पोर्शन था हमारी वॉल का, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, आप दोबारा देख सकते हैं इस तरफ अगर आप देखेंगे, ये वाला जो फ्रंट पोर्शन था यहाँ पर, जहाँ पे सेंट्रल लाइट लगी हुई है, इस तरफ से थोड़ा बहुत लीकेज था, उस लीकेज को हमने ऊपर से ठीक किया, क्योंकि ये लीकेज जो है वो नीचे तक आता था और वहां से वो
उस वॉल को भी खराब करता था, बट ऊपर से ठीक कराने के बाद भी नीचे की सीलन खत्म नहीं हो रही थी। हमने नीचे फिर इसको पूरा प्लस्तर करा करके पेंट कराया, अब इस पर पुट्टी प्राइमर कराएंगे, और इसको 1 वीक तक बिल्कुल छोड़ दिया था ताकि जो भी अंदर पानी है, जो भी इसका मॉइस्चर है, वो खत्म हो जाए एकदम। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी वॉल्स पर वॉलपेपर या कस्टमाइज वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, या आप लूअर पैनल्स, चारकोल लूअर्स लगाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कस्टमाइज वॉलपेपर लगा हुआ है, और इस वॉलपेपर पे आप साउंड सुनिए एक बार। तो हमने वॉलपेपर डायरेक्ट वॉल पर नहीं लगाया है, हमारे माइंड में एक डाउट था कि यार ये बिल्डर फ्लोर है, हो सकता है यहां पर भी सीलन आ जाए, तो हमने पहले SDHMR का बोर्ड लगाया इसके बैक साइड पे, फिर उसका पुट्टी और प्राइमर किया और उसके ऊपर इस वॉलपेपर को इंस्टॉल किया। ये जो आप चारकोल शीट देख रहे हैं, ये पूरा शीट यहाँ पर लगाया है, इसके पीछे ही पहले हमने प्लाईबोर्ड लगाया है, प्लाईबोर्ड लगाने के बाद उसके ऊपर इसको SR की हेल्प से पूरा इंस्टॉल किया। आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छा लुक आता है इस तरह के चारकोल पैनल्स का, और ये चारकोल पैनल हमने अपने किचन के अंदर यूज किया है। आप भी इस तरह के चारकोल पैनल्स लगा सकते हैं, अभी यहाँ पर ब्लाइंड इंस्टॉल होगा, सामने वाली विंडोज पे भी ब्लाइंड लगेगा, इन सारी वॉल्स पर लूअर्स लगेंगे, जैसे हमने यहां पर प्लाई लगाया है, इस पूरी वॉल पर हम लोग प्लाई लगाएंगे, और प्लाई लगाने के बाद यहां पर सेम लूअर को इंस्टॉल किया जाएगा। आगे छोड़ा इसलिए हुआ है इस वर्क को क्योंकि यहां पर भी हमारी किचन कंप्लीट होनी है, जैसे ही किचन कंप्लीट होगी आपको आपके साथ इसका पूरा एक वीडियो भी हम लोग शेयर करने वाले हैं।